हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नया वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला हूँ कार फॉर सेल कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते, देखते हैं कार फॉर सेल कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे फ्रेंड लोगों कार फॉर सेल को डाउनलोड कैसे करते हैं वो गूगल पे सर्च करते रहते हैं। तो गाइस मैं भी कार फॉर सेल को डाउनलोड किया हूँ और मैं भी अपने फर्स्ट टाइम मैंने कार फॉर सेल को डाउनलोड किया हूँ, वही जो कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कार फॉर सेल को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आके सर्च करना होगा कार फॉर सेल। जैसे यहाँ पर कार्ड फॉर सेल गूगल पे आके सर्च करेंगे आपके सामने दोस्तों बहुत सारे रिजल्ट आपको गूगल की तरफ से यहाँ पर मिल जाएगा। इनमें से दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर जो स्ट्रीम जो साइट है इस साइट से जो कि हम लोग कार्ड फॉर सेल को डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रीम का जो साइट है यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और गैस यहाँ पर क्लिक करते ही कार्ड फॉर सेल का जो साइट है यहाँ पर आपको लेके आता है। तो गैस यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों आपको लॉग इन कर लेना है। दोस्तों लॉग इन इसलिए आपको करना है क्योंकि जब भी मान लीजिए आपको कार्ड फॉर सेल गेम का यहाँ से डाउनलोड करते हो इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पीसी या लैपटॉप में वो अनइंस्टॉल हो जाता है, अगर पीसी और लैपटॉप मान लीजिए रिसेट हो जाता है वो डिलीट हो जाता है गेम, तो गाइस उसी अकाउंट से ही आप फिर से आप कार्ड फॉर सेल को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आपको अकाउंट बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी दोस्तों अकाउंट बनाने के बाद ही आप कार्ड फॉर सेल को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो लॉग इन का ऑप्शन है लॉग इन का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और गाइस लॉग इन का ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर स्टीम का आईडी पासवर्ड अगर आपके पास ऑलरेडी है तो गाइस यहाँ पर आप डाल सकते हो या तो आप न्यू करके एक स्टीम पे अकाउंट बना सकते हो। नीचे क्रिएट एंड अकाउंट में क्लिक करके एक न्यू अकाउंट भी बना सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैंने स्टीम पर न्यू अकाउंट कैसे ओपन करते हैं मैंने वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्टीम पर न्यू अकाउंट बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो या तो डायरेक्टली स्टीम पर अकाउंट बना सकते हो और वैसे भी दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी स्टीम अकाउंट है तो गाइस डायरेक्टली मैं यहां पर स्टीम का आईडी पासवर्ड देके फटाफट लॉग इन कर लेता हूं। दोस्तों लॉग इन करने के बाद कार्ड फॉर सेल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और गाइस यहां पर आपको काफी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कार्ड फॉर सेल गेम का डाउनलोड करने का। यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है बाय कार्ड फॉर सेल सिमुलेटर 2023 449 रुपीस का यहाँ पर दिखा रहा है। लगभग ये प्राइस अप डाउन होता रहता है, अभी क्रिसमस चल रहा है तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर कम प्राइस दिख रहा है। तो ऐड टू कार्ड में आपको क्लिक कर देना है और नीचे जो गेम देख सकते हो ये भी कार्ड फॉर सेल ही गेम है लेकिन थोड़ा प्राइस ज्यादा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर जिम का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब जिम तो ये भी आपको अलग अलग आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर कार्ड फॉर सेल गेम को डाउनलोड करूंगा और यहाँ पर ऐड कार्ड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपको ऐड कार्ट में क्लिक करेंगे आपको परचेस का ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो या अपना खुद के लिए परचेस भी कर सकते हो। तो गाइस यहां पर हम लोग परचेस माय सेल पे हम लोग क्लिक करूंगा और दोस्तों इसके बाद हम लोग को पेमेंट का ऑप्शन हम लोग को सिलेक्टेड करना है और गाइस यहां पर बहुत से ज्यादा लोग यहां पर मार खा जाते हैं, मतलब यहां पर पेमेंट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर वीसा मास्टर कार्ड बहुत सारे फ्रेंड लोगों के पास नोटबोर्ड नहीं रहता है, स्किल नहीं रहता है तो इसलिए दोस्तों यहां पर ज्यादा लोग नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर बताया तो आप चाहे तो अगर आपके पास पेटीएम है पेटीएम से भी आप यहां पर परचेस कर सकते हो। और गाइस यहां पर आपको डायरेक्टली पेटीएम तो यहां पर नहीं लिखा है लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको पेटीएम ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी वीसा मास्टर कार्ड इसके लिए सब अगर आपके पेमेंट सिस्टम है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो गाइस आप पेटीएम का भी यूज कर सकते हो। तो गाइस पेटीएम का ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर वीसा के एकदम नीचे आप देखेंगे लास्ट में आपको प्रीपेड वॉलेट डोमेस्टिक जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों इसके बाद जिसके नाम पे आप गेम को लेना चाहते हो वो नाम आपको नीचे आपको डालना है और एड्रेस आपको यहां पर डालना है और यहां पर छोटा सा टिक मार्क लगा के आपको कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक कर देना है और दोस्तों फिर से आपको यहां पर छोटा सा टिक मार्क लगाना है और फिर से आपको कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे आपने यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर दोस्तों आपको बिलिंग एड्रेस जो भी है फिर से आपको यहां पर डाल देना है और गाइस उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और गाइस यहां पर आपको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है किससे द्वारा आप यहां पर पेमेंट करने वाला हो, तो गाइस मैं यहां पर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करने वाला हूं। आप चाहे यहां पर जियो मनी का भी यूज करते हो या अलग अलग जो कि आपको यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों मैंने यहां पर पेटीएम का ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा, सबमिट में हम लोग क्लिक करूंगा और दोस्तों इसके बाद फाइनली दोस्तों आपको पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और गैस यहां पर आपको पेटीएम का जो भी स्कैनर होता है वो स्कैन आपको यहां पर मिल जाता है अपना पेटीएम से सिंपल आपको स्कैन करके, और गैस आपके जो पेटीएम वॉलेट में वो बैलेंस भी जो भी गेम का प्राइस है वो बैलेंस भी होना चाहिए। और जैसे आप यहां पर फटाफट अपने वो पिन नंबर वगैरह और पेमेंट यहां पर कर देते हो और प्रोसेस में क्लिक कर देते हो तो गैस आपके जो यहां पर गेम है यहां पर परचेस फाइनली हो जाता है और चाहे तो आप यहां पर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो गाइस यहां पर आपको सिंपली पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहां पर बैक हो जाता है, आपको कट नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिकली यहां पर बैक हो जाता है और गाइस आपको फाइनली गेम भी परचेस हो जाता है इसी अकाउंट में जिस अकाउंट से मैंने लॉग इन किया हो उसी अकाउंट में परचेस हो जाता है, कार्ड फॉर सेल गेम आपको वहां पर ही आपको मिल जाता है। अभी दोस्तों मेन मुद्दा बात आता है कैसे आपको कार्ड फॉर सेल गेम को कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसके बाद जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूं और क्या करूंगा यार डाउनलोड प्रोसेस ही कुछ ऐसा है तो गाइस ऐसा ही जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है। गाइस मैं भी कुछ ऐसे ही जो कि कार्ड फॉर सेल गेम को अपने पीस
या लैपटॉप में डाउनलोड किया। तो दोस्तों अभी आपको स्टीम के होम पेज में आपको आ जाना है। गाइस यहाँ पर ऊपर में देखेंगे स्टीम का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करते ही स्टीम इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही स्टीम यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद जैसे अपने यहाँ पर पॉपअप में क्लिक कर लेते हो और यहाँ पर स्टीम को आपको अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टीम को ओपन कर लेता हूँ। और गाइस स्टीम को ओपन करने के बाद आपको जिस आईडी से आप भी हमने परचेस किया हो उसी जो आईडी और पासवर्ड यहाँ पर स्टीम के अंदर हम लोग को डालना है। और जैसे हम लोग स्टीम का आईडी पासवर्ड से यहाँ पर हम लोग लॉगिन में क्लिक करूँगा, और जैसे हम लोग यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करते ही अपना वही जो परचेस किया हुआ जो भी अपने अभी अभी हमने परचेस किया वही जो अकाउंट है अपना ओपन हो जाता है। उसके अंदर ही हम लोग को यहाँ पर जो लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है दोस्तों, लाइब्रेरी के ऑप्शन में आपको आ जाना है। और लाइब्रेरी के ऑप्शन के अंदर ही आपको कार्ड फॉर सेल गेम आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कार्ड फॉर सेल गेम पे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपको डाउनलोड करना हो, तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव में ही डाउनलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा दोस्तों, इंस्टॉल पे क्लिक करते ही यहाँ पर कार्ड फॉर सेल गेम डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से काफी आसानी से आपने कार्ड फॉर सेल गेम को अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा ए टू जेड फुल डिटेल्स आपको दिखाया। काफी यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन दोस्तों आपको फुल डिटेल्स आपको बताया हूँ। और दोस्तों अगर आपको स्टीम अकाउंट ओपनिंग करने के लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में स्टीम अकाउंट कैसे ओपन करते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूँ। उस वीडियो को देख के आप चाहे काफी आसान से अपने स्टीम पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपके ये वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आएंगे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।